हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9T एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं। और ये ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, इस ऑप्शन के सामने वाले बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि सेटिंग आपकी ये डिसेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन में अगर प्ले स्टोर के जरिए किसी भी नए ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो वो ऐप आपका इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप ड्रॉअर के इस पेज में आपको दिखाई देगा, लेकिन वही ऐप आपका जो है ना ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग डिसेबल होने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ये सेटिंग पेज आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को यहाँ पे फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन ये सर्च आइकन का आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब यह ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और आपको यह ऑप्शन मिल जाएगा। तो यह मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।